नमस्कार, मैं आंचल द्विवेदी। मैं भूमि आईएएस की एक छात्रा हूं और अभी मैं यूपीएससी की कोचिंग भूमि आईएएस से कर रही हूं। जैसा कि आज सभी को पता है कि यूपीएससी कितनी इम्पॉर्टेंट है। हर दूसरा बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है और दिल्ली हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, हर जगह पर कोचिंगों का मेला लगा हुआ है, जहाँ बच्चे जाते हैं, अपनी तैयारियाँ करते हैं। मैं जब इस संस्थान में आई तो मुझे अपनी यूपीएससी के लिए मेरी चाह थी कि मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हूँ, लेकिन इस संस्थान में आकर मुझे जो यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी मिली, जो टेस्ट सीरीज़ मिले, उन्होंने मेरी लगातार क्षमताओं को बढ़ाया है। जैसा कि मैं शुरू में इस कोचिंग में आई थी तो मैं उतने अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाती थी फिर, लेकिन इस कोचिंग में हर हफ्ते सैटरडे को एक मेन्स आंसर राइटिंग का टेस्ट होता है, जिस टेस्ट में मैं लगातार पार्टिसिपेट करती रही और धीरे धीरे वो मेरी स्किल को बढ़ाता रहा और आज मैं एक बेहतर आंसर लिखने की कंडीशन में हूँ। और साथ ही साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, वो खुद हम लोगों की कॉपी को चेक करते हैं, हमारे आंसर राइटिंग्स को देखते हैं, हमारी जो कमियाँ होती हैं उसको बताते हैं और हमें उसमें सुधार करने के लिए अक्सर प्रेरित करते रहते हैं। आज मैं इस मंच पर हूँ तो इसके लिए मैं भूमि आईएएस को शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने ये हमें मंच प्रोवाइड किया, जिसके तहत मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रख पा रही हूँ और ये आज नहीं तो कल मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे चल के यूपीएससी का मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना है, जहाँ पर मुझे अपने व्यक्तित्व को उन लोगों के सामने रखना है और ये लगातार मेरी क्षमताओं को विकसित कर रहा है और मुझे मेरे एक बेहतर भविष्य में सहायता दे रहा है। साथ ही साथ, जैसा कि आज हम सभी को पता है कि आज 8 मार्च है, 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाएं हर क्षेत्र में आज के टाइम में आगे हैं। अगर प्राचीन काल से अभी तक देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समय समय पर इस विश्व के सामने अपना लोहा मनवाया है। चाहे हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, अहिल्या बाई, ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समय समय पर अपने पराक्रम को साबित किया है। आज हमारा समय चल रहा है 21वीं सदी का। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है और टेक्नोलॉजी आगे जाने के साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं वो भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दे रही हूँ। चाहे वायुयान उड़ाना हो या राफेल चलाना हो, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सबसे मेन मोटिव जो है कि हमारी सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच उपलब्ध कराना, जहाँ पर वो अपनी और क्षमताओं को विकसित करके हमारे देश में हमारे पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वाभिमान ना छोड़ेगी हिम्मत कभी न तोड़ेगी, स्वाभिमान ना छोड़ेगी हिम्मत कभी न तोड़ेगी, लड़ जाएगी तूफानों से पर कर्तव्य कभी ना छोड़ेगी, लड़ जाएगी तूफानों से पर कर्तव्य कभी ना छोड़ेगी, टूटेगी बिखरेगी पर फिर खड़ी हो जाएगी, आ लड़ तू उस नारी से वो नारी है, हार कभी ना मानेगी, हो स्वतंत्रता संग्राम देश का या हो देश की राजनीति, हो स्वतंत्रता संग्राम देश का या हो देश की राजनीति, बात अगर होती है देश की तो डटकर निभाती वो भागीदारी, सत्य प्रेम करुणा की मूरत है अगर वो नारी, तो ये मत भूलना कभी तुम कि बसती है उसमें दुर्गा काली, सती है प्रेम में अगर वो तो रण में लक्ष्मी बाई है, नमन हर उस स्वरूप को जिस स्वरूप में बसती नारी। धन्यवाद।